मेरा वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम है मीनम और रोज़ाना की तरह मिल रहे हैं हम 8 बजे। सेशन हमारा मंडे टू सैटरडे 8 बजे होता है। डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। और हमारे चैनल का नाम एम्बिशियस बाबा है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। और अगर आपने अभी तक भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे जब भी हम लाइव होते हैं। तो सुनेमा एंड हेमल गुड मॉर्निंग, लेट्स मूव अहेड। तो आप जानते हैं सेशन की शुरुआत होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन जूनियर U20 मेन एंड वेमेन एंड कैडेट U17 बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप इन 2023। कौन सा देश 2023 में एशियाई जूनियर अंडर 20 पुरुष और महिला और कैडेट अंडर 17 लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। द राइट आंसर इज इंडिया। बिल्कुल सही, इंडिया जिन लोगों ने दिया था उन सबके सही आंसर्स हैं। ज़रा देख लें किस किस ने आंसर्स दिए थे। सुशांत, सुनिमा, राहुल, सोनम एंड सुरभि, सो दीज आर द पीपल जिन्होंने आंसर्स दिए थे जो कि बिल्कुल सही थे। तो रोज़ाना की तरह जैसा मैं कहती हूँ, आंसर ज़रूर दिया करिए सो दैट हम कनेक्टेड रहें। क्या हम आगे बढ़े, कुछ छोटी मोटी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इंडिया होस्ट करेगा एशियन जूनियर्स U20 और वुमेन एंड कैडेट अंडर 17 एंड बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप। फेंसिंग तलवारबाजी, अगर आप याद करो इंडिया की फेमस वुमेन फेंसर क्या नाम है उनका, भवानी देवी। अगर आप देखें तो एक ऐड आता है आई थिंक च्यवनप्राश वगैरह का, सोने के बदले सोना करके ऐड है ना, तो इनको पहचानिए। फिलहाल द फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसने ये बिड जीती है कि ये आयोजन वो इंडिया में करवा सके, ठीक है। इसके अलावा कहाँ होगा इंडिया में, अहमदाबाद गुजरात में होगा। ये जो SG है सेक्रेटरी जनरल है किसके, फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बिड समिट की, क्या नाम है उनका, राजीव मेहता, ठीक है। इसके अलावा इस जो कंपटीशन है इसमें 1200 फेंसर्स 20 से 25 जो कंट्रीज है उनमें से पार्टिसिपेट करेंगे और मार्च और अप्रैल के दौरान 2023 में आयोजन किया जाएगा। सो इट विल बी हेल्ड इन इंडिया, वेयर, अहमदाबाद, गुजरात। लेट्स मूव अहेड, फर्स्ट क्वेश्चन और शुरू हो जाओ। चलो वली, राजू एंड हेमल गुड मॉर्निंग। चलो देखो जरा अगला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे। देखो क्या लिखा है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च एन एंटी करप्शन मोबाइल ऐप नेम्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो एक ऐप लॉन्च करने की बात हो रही है, असम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश छाया हुआ है दिमाग में, हाँ, असम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग राहुल, सुशांत, वेरी गुड आंसर्स आ गए हैं, वली का भी आंसर आ गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, एंड गुड मॉर्निंग सुशांत, चलो देखते हैं व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ सेकंड्स और, क्या पूछा है मैंने, ऐप का नाम क्या है, 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, ठीक है। तो देखते हैं एंटी करप्शन मोबाइल ऐप की बात करें, इट्स उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हाल फिलहाल काफ़ी सुर्खियों में रहा है, यू नो रिसेंटली द CM ऑफ उत्तराखंड हुम पुष्कर सिंह धामी ही हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द CM ऑफ उत्तराखंड। दोबारा से इलेक्शन हुआ है मुख्यमंत्री के तौर पे पुष्कर सिंह धामी का। इन्होंने ये एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करेगा ये। इसे डेवलप किसने किया है, विजिलेंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड का, ठीक है। और यहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से जो अपनी करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं वो डायरेक्टली अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यू कैन रजिस्टर। इसके अलावा प्रोटेक्टेड डेटा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की हाल फिलहाल की कुछ स्कीम्स जो हमने डिस्कस की थी क्या हम पढ़ें, आओ देखते हैं। तो मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम उत्तराखंड की है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, फिर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, फ्री मोबाइल टैबलेट स्कीम। तो ये सारी योजनाएं उत्तराखंड की जो हाल फिलहाल में हमने पढ़ी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1064 एंटी करप्शन ऐप उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना गुड मॉर्निंग, प्रदीप गुड मॉर्निंग। चलो
देखो क्या लिखा है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन अंटिल मार्च 2023। AIM is a flagship initiative set by the Niti Aayog in which year? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। AIM डैश में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल 14, 15, 16, 17, 18। चलो देखते हैं, सुशांत, राहुल, वली, मीना एंड प्रदीप आंसर्स आ गए हैं। वेरी गुड, और बात करते हैं इसके बारे में। द राइट आंसर इज सी, सी का मतलब 2016। बिल्कुल सही, 2016 वाले सब सही हैं। जरा इसके बारे में बात करें तो पहली बात कि अटल इनोवेशन मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2023 ये रहा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसका गोल क्या है, डेवलप करना 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्पॉन्सर करना 200 एंटरप्रेन्योर्स को इस अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा बजट में 2000 करोड़ प्लस क्या किया जाएगा, इस बजट में दिया गया है इस्टैब्लिश करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए जो भी इस मिशन से जुड़े हुए बेनिफिशरीज हैं। आगे बढ़ रहे हैं, दो अगर हम बात करें तो ये जो आपका मिशन है ये 2016 में किसने शुरू किया था, नीति आयोग ने, ठीक है, ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को भारत भर में, ठीक है, नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ इसमें बताने जैसा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन में आप ध्यान रखिए जो क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और अब हम देख रहे हो आप, अब स्टेट वाइज हम स्कीम्स भी बताते जा रहे हैं तो आप नोट करते जाओ, ठीक है ना, एक साइड जहां भी डेटा मिल रहा है आपको। चलो क्या लिखा है, AII, व्हाट इज AAI, हाँ, इट्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अवसर टू इनकरेज द टैलेंट ऑफ वेमेन आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन and provide them with the right opportunities. What does S stands for in Avsar? भारतीय विमान पतन प्राधिकरण ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर लॉन्च किया है। अवसर का S का क्या है, अवसर में S क्या है, What does S stands in Avsar? Survey, support, social, schedule या skill, ठीक है। आओ बात करें, द राइट आंसर इज येस, बिल्कुल सही, ई ई बोले तो स्किल्ड, स्किल्ड है। आओ बात करते हैं इसके बारे में। तो ये तो पता चल गया कि भाई अवसर योजना किसकी है आपकी, अवसर योजना किसकी है आपकी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। और अवसर का फुल फॉर्म देख लो क्या, एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसन ऑफ द रीजन, ये फुल फॉर्म आपको पता है करना है। और ये जो यंग या टैलेंटेड वेमेन या आर्टिसन या क्राफ्ट्समैन हैं उनको क्या करेगा, इनकरेज करेगा। अच्छा याद करो, कुछ ऐसा ही स्कीम इंडियन रेलवे ने भी स्टार्ट किया था, ठीक है, याद आया। अब इसमें होगा क्या, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, लोकल्स जो भी हैं, उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो एयरपोर्ट पे सेल कर सकें, शोकेस कर सकें अपने हाथ से निर्मित जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको, ठीक है। और 100 से 200 स्क्वायर फिट क्या किया जाएगा, इनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ शोकेस कर सकें। और इन्हें क्या किया जाएगा, क्या कहते हैं, शफल करके या कह लीजिए बारी बारी से 15 दिन का इनको टाइम दिया जाएगा ताकि सब लोग अपना जो ये सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर सकें, यहाँ शोकेस कर सकें। अब ऐसा अगर हम इसकी बात करें तो कुछ आउटलेट्स लगाए जा चुके हैं पहले ही, चेन्नई, अगरतला, देहरादून, कुशीनगर, उदयपुर और अमृतसर एयरपोर्ट में, ठीक है, जहाँ पर ये लोग अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन, ऐसा ही एक इनिशिएटिव आपका किसका था, इंडियन रेलवे ने भी स्टार्ट किया था। अच्छा एयर इंडिया से याद आया, मैं कुछ बता रही थी यहाँ पे, एयर इंडिया में हाल ही में चेयर इंडिया चेयरमैन नियुक्त हुए, क्या नाम है इनका, एन चंद्रशेखरन, ठीक है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर है और JRD टाटा फाउंडर है एयर इंडिया, जिसे हाल ही में आपकी भारत सरकार से किसने, टाटा ग्रुप ने दोबारा से खरीद लिया है ना, लास्ट ईयर ही। चलो क्या है अगला क्वेश्चन देखो,
पढ़ें, एन एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क ग्रुप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हु विल लीड द AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स प्रमोशन टास्क ग्रुप की स्थापना की जाएगी. AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का नेतृत्व तो कौन करेगा? शिवदास मीणा, TS त्रिमूर्ति, अनुपम रे, अपूर्व चंद्रा या जयंत खोबगड़े. ठीक है, नहीं खोबरा गड़े है नाम. ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर. तो गुड मॉर्निंग रितिका, राहुल का आंसर आ गया है, प्रदीप सिलवासा का आंसर आ गया है, और कौन कौन है, वली है, मीना है. ठीक है, जो लोग भी हैं आंसर्स कर सकते हैं, हेमल, राजू, जो लोग भी देख रहे हैं. लेट्स सी, इस क्वेश्चन का ज़रा आंसर ले लें, आओ बात करते हैं इसके बारे में. द राइट आंसर इज डी, डी बोले तो जयंत खोबरागड़े. ठीक है, तो इन्हें बनाया गया है AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का, को ये हेड करेंगे. आओ बात कर लें इसके बारे में जल्दी से. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कंस्टिट्यूट किया है ये AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको IB के जो सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो वो लीड करेंगे, और ये विल प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट एक्शन प्लान विद इन 90 डेज. तो अगले 90 दिन में पहला वो करेंगे. देखो मैं वही कह रही हूँ कि कुछ तो मैंने गड़बड़ पढ़ा, दो बार नाम पढ़ लिया तो क्या हो गया, वही नाम बोल दिया आंसर में. द राइट आंसर इज अपूर्व चंद्रा. ठीक है, ज़्यादा अच्छा नाम लग गया है ना, नया नाम पढ़ा तो. चलो बात कर लेते हैं, तो IB सेक्रेटरी हैं अपूर्व चंद्रा, जो कि इसको लीड करेंगे इस टास्क फोर्स को, क्या AVGC से रिलेटेड, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग और कॉमिक्स से रिलेटेड जो टास्क फोर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है. ठीक है, अब इसके तहत क्या किया जाएगा, जो AVGC से रिलेटेड जो आपके कोर्सेज हैं वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD में क्या किए जाएंगे, रिकमेंड किए जाएंगे, लाया जाएगा ताकि इस फील्ड में भी एक्सपेंशन किया जा सके, आगे बढ़ रहे हैं. इंडिया की अगर पोटेंशियल की बात करें तो 5% इंडिया क्या है इस सेक्टर में ग्लोबली या वैश्विक स्तर पे क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, और ये रीच कर जाएगा 2025 तक. ठीक है, पोटेंशियल है और 5% तक हो जाएगा 2025 तक ग्लोबली इस मार्केट में. आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन सेबी. सेबी के बारे में कुछ और चीज़ें हाल फिलहाल में हमने पढ़ी थी, याद करो. ठीक है, नहीं नहीं डी है, डी है, बिल्कुल डी है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज फॉर्म्ड 2 एक्सपर्ट ग्रुप्स टू लुक इनटू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टीज एट एसेट मैनेजमेंट फर्म्स हु विल चेयर द वर्किंग ग्रुप ऑन MF ट्रस्टीज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों में प्रायोजकों और ट्रस्टियों की जिम्मेदारी, योग्यताओं और कार्यों को देखने के लिए 2 विशेषज्ञ समूह का गठन किया है. अगर हम बात करें तो MF ट्रस्टी पर कार्य समूह की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अश्विनी वैष्णव माइटी मिनिस्टर, देन मनोज वैश, ए बाल सुब्रमण्यन, जी महालिंगम, डी मुर्गसिन. ये कुछ नाम अभी हाल फिलहाल में हमने पढ़े थे, ज़रा भी हम देख लेते हैं क्या है, बिना किसी गलती के क्या मैंने पूछा आपसे, वर्किंग ग्रुप MF का चेयरपर्सन कौन होगा. ठीक है, जो कि सेबी ने कंस्ट्रक्ट की है, बी बोले तो मनोज वैश. जी हाँ बिल्कुल सही. आओ चलो आगे बढ़ते हैं. सेबी ने 2 सेपरेट पैनल्स बनाए हैं, पहली बात तो क्या करने के लिए, रिव्यू करने के लिए ओनरशिप नॉर्म्स ऑफ MF स्पॉन्सर्स एंड ट्रस्टीज. ठीक है, चलो देख लेते हैं. तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कमिटी होगा ये क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वालिफिकेशन और फंक्शंस देखने के लिए किसके, जो स्पॉन्सर्स और जो ट्रस्टीज हैं असेट मैनेजमेंट फर्म्स के. ठीक है, तो चेक भी करना होता है, और आप जानते हो सेबी इस तरह के ग्रुप्स का गठन करता रहता है. आगे बढ़ते हैं, ए बाल सुब्रमण्यन क्या है, MD और CEO है किसके, आदित्य बिरला सनलाइफ के, ये AMC के, ये चेयर करेंगे वर्किंग ग्रुप ऑन स्पॉन्सर्स.
ठीक है, दो ग्रुप बनाए हैं, जो वर्किंग ग्रुप ऑफ स्पॉन्सर्स है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ए बाला सुब्रमण्यम, दूसरा वाला जो ग्रुप है कौन सा वाला ग्रुप, उसके जो अध्यक्ष होंगे मनोज वैश होंगे, जो कि इंडिपेंडेंट ट्रस्टी हैं मिराय एमएफ के, मिराय म्यूचुअल फंड के, जो चेयर करेंगे वर्किंग ग्रुप ऑन म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज के, ठीक है। तो दो ग्रुप से दोनों के हेड का नाम आपको बता दिया गया है। हाल फिलहाल में कुछ कमिटीज और उनके हेड के नाम जरा सुन लो फटाक से क्या है। देखो, सेबी ने रिकंस्ट्रक्ट किया है अभी हाल फिलहाल में एडवाइजरी कमिटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। देखो, ऑप्शन में था ये नाम, जी महालिंगम को इसका अध्यक्ष बनाया है, पहले कौन थे, इब्राहिम कोशी, ये मैंने आपको बताया था। सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट किया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी और 20 मेंबर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, पंकज कुमार। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, जिसे रिकंस्टिट्यूट किया है, दोबारा से बनाया है सेबी ने, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, एन आर नारायण मूर्ति। आगे बढ़ रहे हैं, सेबी ने फॉर्म किया है एक पैनल स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए गवर्नेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस को। अगर हम बात करें तो जी महालिंगम इसके भी अध्यक्ष हैं, जी महालिंगम का नाम देखो कई जगह आ रहा है। 17 मेंबर कमिटी बाय माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा टू स्टेयर गाइड सेमी कंडक्टर मिशन, कौन है अध्यक्ष, अश्विनी वैष्णव, अभी आई थिंक कल ही परसों मैंने बताया ये आपको। 13 मेंबर पैनल फॉर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू फ्रेम द स्टेट एजुकेशन पॉलिसी, कौन है अध्यक्ष, डी मुरुगेसन, ठीक है। तो ये कुछ लेटेस्ट आपकी क्या हैं, समितियां हैं, कमिटीज़ हैं और उनके हेड। सेबी के बारे में अभी हमने बात की थी, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेंथन गवर्नेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो पैनल बनाया है उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, जी महालिंगम, वहाँ मैंशनड है, ये दो दिन पहले मैंने आपको बताया था, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ ये। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह सुबह कुछ तो चाहिए ना प्रदीप, हाँ आओ देखें जरा क्या है। अरे वाह, आंसर आ गया वाली का, वेरी गुड। विच स्टेट्स कांगड़ा टी विल सून गेट अ यूरोपियन कमीशन GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य की कांगड़ा चाय को जल्द ही एक यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत टैग मिलेगा, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो कांगड़ा चाय बहुत फेमस चाय है ये, ठीक है, और ये कहाँ की है, दिस बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है इसे बहुत जल्द यूरोपियन कमीशन का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाएगा और ये मदद करेगा कांगड़ा टी को, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा यूरोपियन मार्केट में कि वो अपने आप को बढ़ावा दे सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने इसे GI टैग 2005 में दिया था, 1999 से इसका कल्टीवेशन या इसकी पैदावार हिमाचल की वादियों में की जा रही है, कहाँ पे, कांगड़ा रीजन जो है वहाँ पे किया जा रहा है और इसको इम्प्रूव भी किया जा रहा है कैसे और इसको बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा जो डेवलपमेंट और कल्टीवेशन है कांगड़ा टी का, इसे प्रमोट कौन कर रहा है और देखभाल कौन कर रहा है, चार डिपार्टमेंट इसकी देखभाल कर रहे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, फोर डिपार्टमेंट्स देखो, IT बोर्ड ऑफ रीजनल, IT बोर्ड ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस पालमपुर, ठीक है, कोऑपरेटिव एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, CSIR एंड CSIR, फिर IHBT पालमपुर और चौधरी सरवन कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, तो ये सब ध्यान दे रहे हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के कुछ और GI टैग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है, चंबा चप्पल उसको भी GI टैग मिला है, फिर चंबा का रुमाल, वेरी गुड, किन्नौरी शॉल, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, कांगड़ा की पेंटिंग्स, ये भी मैंने बताया था आपको, तो कांगड़ा चाय और कांगड़ा पेंटिंग दोनों को मिला है क्या आपका GI टैग, कुल्लू की शॉल जो कुल्लू मनाली वाला कुल्लू है वो भी, बासमती, बासमती जो है आपका उसको भी GI टैग मिला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट GI टैग जो आपको पता होने चाहिए, खास तौर से जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो, तो स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं, किसका, हिमाचल प्रदेश का। चलो आओ देखें, बात करते हैं, तो कैपिटल इज शिमला,
ठीक है, धर्मशाला सेकंड कैपिटल है, विंटर कैपिटल है किसकी, आपकी हिमाचल की, और यहीं पे हमारे जो दलाई लामा है उन्होंने शरण ले रखी है। निर्माण कब हुआ था, 25 जनवरी 1971। एरिया, ये क्षेत्र के आधार पे 18वीं रैंक है, जनसंख्या के आधार पे 21वीं रैंक है, 21st रैंक है किसकी, हिमाचल की। आओ आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें किसकी, हिमाचल की, तो हिमाचल में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 12। गाइज हमेशा ये डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह चेक कर लिया करो लास्ट मोमेंट पे, कई बार चेंजेस होते हैं और अपडेटेड नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अगर हम लेक्स की बात करें तो कौन कौन सी लेक्स हैं, बिरघू लेक, दशहर, दनकर लेक, करेरी, कुमरवा लेक, खजीर लेक, मचियाल लेक, मनी महेश लेक, नाको लेक, पंडो लेक, प्रसार लेक, रेणुका लेक, रिवालसर लेक, सिरुवालसर और मनी महेश लेक। ठीक है, यहाँ पे कुछ नदियाँ, यमुना, घग्गर, ब्यास, सतलज और चेनाब। ठीक है, डैम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ के, भाखरा डैम बिलासपुर में, पोंग डैम ब्यास ब्यास नदी पे और भाखरा सतलज नदी पे, चमेरा डैम कहाँ पे है, रिवर पे, रावी नदी के ऊपर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबल बरा नेशनल पार्क। ठीक है, और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आप अपने आप पढ़ोगे। ठीक है, फोक डांस नाती किन्नौरी नाती, नामगेन डांस झली महसू डांगी नृत्य, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ थोड़ा छोटा मोटा स्टैटिक जिसका आप रिविजन कर लेंगे बाद में। आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोशिश करते हैं किसी एक स्टेट का स्टैटिक डिस्कस कर लें। विक्रम बत्रा पालमपुर से, हाँ बिल्कुल, अच्छा गुजरात में भी आता है पालमपुर, ओके, हिमाचल का तो पता था। हाँ चलो देख लेते हैं, आओ भाई अगला क्वेश्चन। तो कोशिश किया करो डेली एक छोटा मोटा स्टैटिक किसी ना किसी स्टेट का देख लिया जाए। विच बैंक हैज साइंड अ पार्शियल गारंटी फैसिलिटी अग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अ पार्शियल गारंटी प्रोग्राम विद इनिशियल आउटले ऑफ $150 बिलियन। चलो देखें क्या लिखा है हिंदी में, किस बैंक ने 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के प्रारंभिक परिवय के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ आंशिक गारंटी सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए, आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक। पार्शियल गारंटी फैसिलिटी अग्रीमेंट किसके साथ किया है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और बैंक कौन सा है, चांसेस आ गए हैं। आओ देखिए, द बैंक इज ई, विच मीन्स एक्सिस बैंक है। आओ बात करें इसके बारे में, तो एक्सिस बैंक ने साइन किया है पार्शियल गारंटी फैसिलिटी एग्रीमेंट जिसकी कीमत कितनी है, यूएसडी 150 मिलियन, किसके साथ, एडीबी के साथ। किस लिए किया है, ताकि सपोर्ट किया जा सके जो सप्लाई चेन है हमारा उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जिसमें एडीबी का जो फिनेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें और कुछ और क्या करें, कुछ और लोन्स की बात करें, तो देख लें हमारे लोन्स कौन कौन से हैं, ये हैं, चलो देखते हैं। यूएसडी 1.5 बिलियन जो लोन है दिया है, किस कब दिया है, इंडिया को दिया है कोविड-19 वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए, किसने दिया है, एडीबी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, 125 मिलियन लोन दिया है उत्तराखंड को वाटर सप्लाई और सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए, 500 मिलियन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ताकि जो क्वालिटी है स्कूल एजुकेशन का उसे बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि कोविड के इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। यूएसडी 350 मिलियन दिया है इम्प्रूव करने के लिए अर्बन सर्विसेज जो हैं, शहरों में सर्विसेज हैं उनको बेहतर करने के लिए। 112 मिलियन दिया है इस्टैब्लिश करने के लिए असम स्किल यूनिवर्सिटी के लिए। 68 मिलियन दिया है, लोन अग्रीमेंट किया है IIFL होम फाइनेंस के साथ ताकि अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। 292 मिलियन बांग्लादेश के साथ साइन किया है, बांग्लादेश के साथ दो लोन अग्रीमेंट फ्लड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हाल फिलहाल के एडीबी के लोन्स हैं जो उसने दिए हैं, चलो जिनके बारे में हमने पढ़ा था।
अगला क्वेश्चन, देखो क्या लिखा हुआ है, फटाक से पढ़ो। आरबीआई, कुछ ना कुछ तो पेनल्टी लगाया होगा, पढ़ लेते हैं। हाँ जी, आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज कितना ऑन एक्सिस एंड आईडीबीआई बैंक फॉर वेरियस वायलेशंस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू केवाईसी गाइडलाइंस। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी दिशा निर्देशों सहित विभिन्न उल्लंघनों के लिए एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक प्रत्येक पर, दोनों पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? 51 लाख, 93 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़। ठीक है, तो ये आपका डेटा नोट कर लेना कहीं पे, हाल फिलहाल में जो बैंक्स हैं आपके उनके ऊपर जो लगाई गई है पेनल्टी। तो पहले तो हम देख लेते कितने की पेनल्टी। बिल्कुल सही, हाँ 93 है, बिल्कुल चेक कर लिया हमने। बी बी वाले सब सही, आगे बढ़े। तो भाई आरबीआई ने कहा कि भाई हम 93 लाख का पेनल्टी लगाएंगे एक्सिस बैंक और आईडीबीआई के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसका मन कर रहा था, है ना, क्योंकि उसने वायलेट किए हैं ये जो दो बैंक हैं। आरबीआई आप जानते हो हमारा सेंट्रल बैंक है, ये कुछ क्या बनाता है, कुछ नॉर्म्स इसने बना रखी, कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, जिसमें से केवाईसी नो योर कस्टमर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया है। तो 93 लाख का ये पेनल्टी है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और अगर हम देखें तो आईडीबीआई को पेनलाइज किया गया है नॉन कंप्लायंस। एक सेकेंड, ओहो हाँ जी, नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑन फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो बात नहीं मान रहा है जो फ्रॉड्स वगैरह जो हैं वो बताए नहीं हैं और ठीक से उसको रिपोर्ट नहीं किया है, तो इस तरह की कुछ चीज़ों का वॉयलेशन किया है। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं हाल फिलहाल में कहाँ कहाँ पे आपका आरबीआई ने लगाया है पेनल्टी। चलो देखते हैं पेनल्टी लगाया है कौन से बैंक्स के ऊपर। तो आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाया 1 करोड़ एसबीआई से के ऊपर लगाया, इतना पैसा क्या करेगा आरबीआई। फिर 1 करोड़ लगाया है यूबीआई के ऊपर, 1.8 करोड़ लगाया है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। ठीक है, और 30 लाख है आपका आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 करोड़ लगाया है ऑन पेमेंट ऑपरेटर्स मोबीविक, वन मोबीविक और स्पाइस मनी के ऊपर। ठीक है, फिर 30 लाख की पेनल्टी लगाया है जापान का एक बैंक है MUFG बैंक। ठीक है, तो ये सब पेनल्टीज लगाता रहता है और ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, बैंक्स अपनी मनमानी करेंगे और मार्केट में क्या होगा, अस्थिरता आएगी। ठीक है, जो बैलेंस बना हुआ है इन फिनेंशियल सेक्टर ये सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज सब मनी सप्लाई का खेल है और चीज़ें बिगड़ती हैं अगर आरबीआई इनके ऊपर नकेल ना कसे। चलो अगला क्वेश्चन एक और है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द गाइडलाइंस फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स टू एस्टैब्लिश डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन बोथ सेल्फ सर्व एंड असिस्टेड मोड। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? ओ गजब, क्या क्वेश्चन पूछा है ना। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए डिजिटल बैंकिंग इकाई स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, ताकि उत्पादों और सेवाओं को स्वयं सेवित और सहायता प्राप्त मोड दोनों में पेश किया जा सके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, नोएडा। तो 1 अप्रैल 1935 को इट वॉज स्टैब्लिश वेयर इन कोलकाता। ठीक है, अर्लियर द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वॉज इन कोलकाता एंड आफ्टर दैट इट वॉज शिफ्टेड टू विच सिटी टू मुंबई। तो राइट नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन मुंबई। तो पहले कलकत्ता में अपनी स्थापना जो 1935 1 अप्रैल को हुई थी उस दौरान कलकत्ता में हेडक्वार्टर था और आगे चल के मुंबई से शिफ्ट कर दिया गया है ना परमानेंटली। शक्तिकांत दास इसके चीफ हैं। तो ये अभी बता ही दिया, गाइडलाइंस कुछ रिलीज करी हैं ताकि इस्टेब्लिश किया जा सके डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको सेल्फ सर्व और असिस्टेड मोड में प्रोवाइड किया जा सके, अप्रैल 7, 2022 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अवार्ड है ना। यस बिल्कुल सही, हिल्टन यंग कमीशन एक आया था, इसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया था 1935 में। ठीक है,
चलो वेरी गुड. विच फोटोग्राफर फोटो टाइटल कैंप लूप्स रेसिडेंशियल स्कूल हैज वॉन 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड. चलो देखते हैं कैंप लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक से किस फोटोग्राफर की तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता. रॉबर्ट इरविन, मैथ्यू एबॉट, एलेजांड्रो प्रीटो, एम्बर ब्राकन या थॉमस विजिन. तो थॉमस विजिन तो याद आ रहे होंगे, भारत के फोटोग्राफर है जिन्होंने लास्ट ईयर जीता था एक अवार्ड. याद करो एक ओरांगटून का पिक्चर था, एक आपका कुछ चिंपैंजी की फैमिली का एक एनिमल होता है, अपसाइड, हाँ अपसाइड डाउन था उस पिक्चर का नाम, ठीक है, जो उसने उल्टा लटका हुआ था. थॉमस विजिन केरला के हैं, लास्ट ईयर जीता था इन्होंने अवार्ड, मैंने बताया था. आओ फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर. डी डी बोले तो एम्बर ब्रैकन, एम्बर ब्रैकन इज द राइट आंसर. आओ बात करते हैं इनके बारे में. तो ये पिक्चर है इनका, ठीक है, तो क्रॉस के ऊपर ये बच्चों के कपड़े टांगे हुए हैं, ये पिक्चर है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, आप देख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. तो एम्बर ग्रेकन की फोटो है. कैंपलूम्स रेसिडेंशियल स्कूल वॉन 2022 प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है. इसमें मैंने बताया ना, चिल्ड्रंस की जो बच्चे हैं उनको, चिल्ड्रंस की जो क्लोथिंग है, बच्चों की जो कपड़े हैं उनको क्रॉस के ऊपर लटकाया गया है, ठीक है, जिसमें कुछ दर्शाया गया है कि माल्ट क्या कहते हैं, एक स्कूल था कैंपलून्स का, इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, यहाँ पे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था जिससे वजह से लगभग 200 बच्चों की डेथ हो गई थी, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मिस्टर ब्रैकन की जो फोटो है इसने सिंगल अवार्ड इन द रीजनल नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका कैटेगरी में भी जीता है. वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड के अलावा ये अवार्ड भी जीता है. उसके बाद ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है मैथ्यू एबॉट, उन्होंने फोटो स्टोरी ऑफ द ईयर जीता है, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन. आओ देखें जरा अगला क्वेश्चन क्या है. तो जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेशन जारी है हमारा. फिलहाल क्वेश्चन पढ़े आपके लिए. तो हु हैज बीन कन्फर्ड विद संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? जाकिर हुसैन, जतन गोस्वामी, सोनल मानसिंह, थिरुविदई मरुदूर, माफ़ी चाहूँगी गलत नाम पढ़ने के लिए, कुपैया कल्याण सुंदरम, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. चलो देखो ज़रा व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जी हाँ, ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ऑल ऑफ द अबव ही होगा. और देख लेते हैं, तो हमारा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स दिए गए हैं, 4 लोगों को दिए गए हैं ये अवार्ड, ठीक है. तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं. पहली बात तो किसने दिया है, वेंकैया नायडू ने दिया है कन्फर्ड संगीत अकादमी फेलोशिप अवार्ड. तो 4, देखो ये अवार्ड 4 लोगों को दिए गए हैं. अगला अवार्ड देखो गया, संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018 वाला जो अवार्ड है वो 40 लोगों को दिया गया है, ठीक है. फेलोशिप वाला अवार्ड 4 लोगों को दिया गया है, नाटक अवार्ड 18 वाला 40 लोगों को दिया गया, एक ही जैसा नाम, एक ही जैसा दिखाई दे रहा है. नेशनल अवार्ड फॉर ललित कला अकेडमी 23 लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिसमें 3 फेलोज हैं, फेलोशिप का दिया गया है. चलो देखते हैं, तबला माएस्ट्रो जाकिर हुसैन, एक जतिन गोस्वामी, डॉक्टर सोनल मायन सिंह और टी के कल्याण सुंदरम, इनको दिया गया है ये संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अवार्ड जो 4 लोगों को दिया गया. आगे बढ़ रहे हैं, ललित कला अकादमी का जो प्रेस्टीजियस फेलोशिप दी गई है वो जिन आर्टिस्ट को दी गई है वो कौन कौन से हैं? हेमंत शाह, ज्योति भट्ट, श्याम शर्मा. उसके अलावा ये जो इवेंट है ये परफॉर्मिंग आर्ट्स न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है. अगला क्वेश्चन, एक और अवार्ड है, बीच बीच में सेशन को लाइव जरूर कर लें. फिलहाल अगला क्वेश्चन पढ़ें. विच बैंक्स ऐप हैज वॉन डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल CX SME पेमेंट्स. किस बैंक ने, ऐप ने, के बैंक ने उत्कृष्ट डिजिटल CX
एसएमई भुगतान के लिए डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 जीता है? इंडसलैंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या आईडीएफसी बैंक? देखो तो जरा। गाइज आई होप आप लोग टेलीग्राम से मुझसे जुड़े होंगे, है ना। आई एम नॉट श्योर, सुशांत, राहुल, वली, आई एम नॉट श्योर आप लोग जुड़े हैं कि नहीं। जुड़ जाइए सो दैट इन केस कोई चेंजेस आते हैं क्लास में, मैं लीव पे हूँ या टाइम चेंज हो रहा है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूँ। आप नेम टाइप करके हम टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखें द राइट आंसर इज, और पीडीएफ भी मैं वहाँ अवेलेबल करा देती हूँ। और ए ए बोले तो इंडसलैंड बैंक को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए बात करते हैं, तो इंडसलैंड बैंक का जो इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप है उसको दिया गया है डिजिटल सीएक्स अवार्ड 2022 का। किस लिए? आउटस्टैंडिंग डिजिटल सीएक्स एसएमई पेमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? डिजिटल बैंकर, जो कि एक ग्लोबली ट्रस्टेड वैश्विक स्तर पे मान्यता प्राप्त कह सकते हो या ट्रस्टेड फाइनेंशियल न्यूज सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, इंडसलैंड मर्चेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया था नवंबर 2021 में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर हैज बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन उड़ीसा। द एस एफ डी आर हैज बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद हुम? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर का उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है। एस एफ डी आर को डैश के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? कुछ इंपॉर्टेंट ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। SFDR का फुल फॉर्म पहले तो जान लो, सोशल कह रही हूँ, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट नाम है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR का फुल फॉर्म है। तो इस तरह की चीज़ों पे ध्यान रखा करो। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ले लें। BB का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने इसे डेवलप किया है। तो DRDO ने टेस्ट फायर किया है ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट बूस्टर, ठीक है। और इसे डेवलप किया है DRDO ने, DRDL डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद ने, और कुछ और आपकी संस्थाएं हैं DRDO लेबोरेटरीज, जैसे कि रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी पुणे। तो इन सब ने सहयोग से ये क्या किया, इसे लॉन्च किया है, बनाया है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, SFDR है क्या? एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। ये क्या करती है? ये SFDR बेस्ड प्रोपल्शन है जो कि इनेबल करता है किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट मारने के लिए एरियल थ्रेट्स एट अ वेरी लॉन्ग रेंज एट सुपरसोनिक स्पीड। तो हवा में अगर कोई खतरा होता है तो ये मिसाइल क्या करती है, उसको इंटरसेप्ट करती है, मार देती है, ठीक है। और सुपरसोनिक इसकी स्पीड है, इसकी रेंज कितनी है जान लो, 350 किलोमीटर है। और मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या है? Mach 4.5, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो ये यूज़ करता है ये SFD बूस्टर जो है राफेल जेट्स में। राफेल विमान अगर आप जानते हो, इंडिया फ्रांस से परचेज कर रहा है, वहाँ की एक कंपनी है दसॉल्ट इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कई बार मैं बता चुकी हूँ। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया माइथी हैज साइन एन MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो हैदराबाद फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ UIDAI? तो UIDAI माइथी ने तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है UIDAI के अध्यक्ष कौन हैं? दुष्यंत चौटाला, विजय सांपला, सौरभ गर्ग, BS राजू या शरद कोकली गोखलानी? तो
राहुल सुशांत, मीना सुनेमा वाली. लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर. सी सौरभ गर्ग. ठीक है, सौरभ गर्ग इज द राइट आंसर. तो यूआईडीएआई माइटी ने साइन किया है ये एमओयू किसके साथ? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि इसरो का हैदराबाद के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए. फिर एनआरएससी की अगर हम बात करें, जिसका फुल फॉर्म बता दिया है, ये डेवलप करेगा भुवन आधार पोर्टल, ताकि किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और लोकेशन अबाउट द आधार सेंटर अक्रॉस इंडिया. यानी ये जो पोर्टल होगा, इस पे हमको भारत में जो आधार सेंटर्स हैं उनकी जानकारी और लोकेशन मिल सकेगा. ठीक है, ये जो पोर्टल होगा वो प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी ऑफ कंप्लीट ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ आधार सेंटर्स. वही बात, आधार सेंटर्स के बारे में सारी जानकारी देगा, इमेजेस वगैरह प्रोवाइड करेगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर हम यूआईडीआई की बात करें, तो उसने अब तक क्या किया है? आधार नंबर्स 132 करोड़ रेसिडेंट से भी ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड किया है, और ये जो फैसिलिटी है ये 60 करोड़ रेसिडेंट्स को, वो जो लोग आधार में ऑलरेडी है उनको अपडेट करेगा. ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा है? सौरभ गर्ग, ये सीईओ है यूआईडीएआई के, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के. अगला क्वेश्चन, यूनेस्को. चलो, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिलीज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश टू यूनेस्को फंड फॉर एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन 2022. युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2022 में खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में भारत का डैश का योगदान जारी किया है. 28172, 31120, 52176, 63456, 72124 USD. देखो जरा कितना दिया है भारत ने डोपिंग की इस ऑर्गेनाइजेशन को. आओ देखते हैं. ई बोले तो जी हाँ, USD 72124 फंड प्रोवाइड किया है यूनेस्को का, जो फंड है एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2022 के लिए. इतना फंड दिया है, कितना? 72124 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने. अगर हम बात करें तो ये डबल अमाउंट है जो कि अमाउंट भारत को देना था उससे. ठीक है, तो सातवां जो आपका COP था, द स्टेट पार्टीज का, उसमें अग्री किया गया था कि इतना कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा. ठीक है, यूनेस्को का ये जो डोपिंग वाला आपका क्या कहते हैं, डोपिंग की जो एजेंसी है यूनेस्को की, उसको. चलो अगर हम इसमें बात करें, हाँ ये है इम्पोर्टेंट, ये जो फंड है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी. ठीक है, और अगर हम बात करें तो भारत ने साइन किया था इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट, जिसे आप यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन कहते हो, जिसे रेटिफाई किया गया है 7 नवंबर 2007 को. 2007 में रेटिफाई हुआ है और 2008 में इस्टेब्लिश किया गया है. चलो आगे बढ़ रहे हैं और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं. क्या है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड है एक और क्वेश्चन. नाडा वाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है. चलो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन 11th DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप? निम्नलिखित में से किसने 11वीं DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है? अदिति अशोक, रिया जेडॉन, शर्मिला निकोलेट, दीक्षा दागर, स्मृति मेहरा. तो मीना सुशांत, राहुल आंसर आ गया है. चलो देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. प्रदीप वली. गुम हो गए क्या? चलो इस क्वेश्चन का कुछ सेकंड में मैं आपको आंसर दे रही हूं, जो कि क्या है. बी बी बोले तो रिया जिदौन.
यही लगाया ना? हाँ यही लगाया सबने। तो रिया जदौन ने जीता है 11वां डीजीसी लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप। अच्छा इनकी अगर हम बात करें तो 13 वर्ष की हैं, 13 ईयर्स की, शी इज अ टीनेजर, और इन्होंने अपनी बड़ी बहन लावण्या जदौन को हराया है। आगे बढ़ते हैं, 78-80, 74 से हराया है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो रिया जदौन इनका नाम बस जानना, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं जानने की। एक बुक है आगे, है ना, बुक देखें क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। बहुत अच्छा नाम है। निम्नलिखित में से किसने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक एक नई पुस्तक लिखी है? राजीव भाटिया, प्रकाश कुमार सिंह, विनोद राय, के श्याम प्रसाद, आकाश कंसल। तो भारत के एक और बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे ये फिलहाल ये हैं, ये पर्सन जिन्होंने ये बुक लिखी है। और देख लेते हैं कौन, द राइट आंसर इज सी, जो कि बिल्कुल सही। हाँ जी, विनोद राय हैं ये, इनका नाम हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। तो फॉर्मर के क्या कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिनका नाम क्या है, विनोद राय है, इनकी ये बुक है नॉट जस्ट नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। ये फॉर्मर ब्यूरोक्रैट हैं जो कि 33 महीनों के लिए बीसीसीआई में रह चुके हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्हें हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय, इन्हें 4 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सीओए में नियुक्त किया है 2017 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। 33 महीना मैंने आपको बताया इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन बीसीसीआई में क्या किया है, क्या कहते हैं, रहे हैं ये। इसके अलावा ये बुक में अपने एक्सपीरियंसेस को इन्होंने दर्शाया है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हमारा होमवर्क का क्वेश्चन, जिसको मैं फटाक से पढ़ देती हूँ, और आंसर मुझे सबसे चाहिए इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन इज ओवर। पढ़ें, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यूनिट्स ऑफ सदर्न कमांड सेलिब्रेटेड देयर 247th कॉर्प्स डे ऑफ डैश 2022। दक्षिण कमान की सेना आयुध कोर इकाइयों ने डैश 2022 को अपना 247वां कॉर्प दिवस मनाया। 8, 9, 10, 11, 12 आपको बताना है कब मनाया है इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन इज ओवर। सब दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर मुझे भी पता चले कौन कौन सेशन में रहता है मेरे, है ना। तो गाइज, दिस वॉज द सेशन। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ठीक है, नेम टाइप करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के। और अगर हम बात करें तो हमारा जो चैनल है उसका नाम एम्बिशियस बाबा, इसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। test.ambitiousbaba.com अगर हम बात करें, हमारी वेबसाइट है जिस पे आपको क्या करना है, जाना है और सर्च करना है फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू बैंक, रेलवे एंड अदर प्रोमोशनल एग्जाम्स। तो हाल फिलहाल में काफ़ी एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी आरबीआई असिस्टेंट मेंस भी आने वाला है, मेंस की टेस्ट सीरीज वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पे। संडे को हम लोग एक आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कंडक्ट करते हैं, जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो उसको, उसमें भी पार्टिसिपेट किया करो संडे वाले दिन। अब इस बार वाला तो हो गया, नेक्स्ट वाला देखिएगा कौन सा है, ठीक है। और सेशन को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थोड़ी देर में मैं पीडीएफ आपको चैनल पे अवेलेबल करा दूँ। थैंक यू एवरीवन।